हेलो एवरीवन, बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो एक इतनी अच्छी डाई है, जिन लोगों को अपने बालों का कलर बरगंडी करना है, डार्क बरगंडी करना है, उनके लिए बहुत अच्छी है, बहुत असरदार है। एक ही बार में काफ़ी असर दिखाई दिया आपको, लेकिन आगे आपके बालों के टेक्सचर के ऊपर है, आपके बालों का टेक्सचर कैसा है कि आपका जो आपके बालों का टेक्सचर है एक बार में उस डाई को कवर करता है कि दूसरी बार में कवर करता है, इसलिए। लेकिन बहुत असरदार है, बहुत अच्छी है, इसलिए अब आज की रेमेडी शुरू करने से पहले मैं आपको प्लीज़ एवरीवन, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि जो रेमेडी मैं बना रही हूँ वो आप तक पहुँच सके और आप किसी और के साथ शेयर करें अगर आपको वो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एवरीवन लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। अब शुरू करते हैं आज की रेमेडी। आज जो मैं डाई बना रही हूँ उसके लिए मुझे चाहिए बीट रूट। बीट रूट मीन्स चुकंदर, ये तो बहुत आराम से मिल जाती है और किसी भी मौसम में आप इसे ले सकते हैं, इसलिए तो इसकी डाई बहुत अच्छी होती है। इसलिए अच्छी होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है, जो आपके स्कैल्प में जाके ना स्कैल्प की जो प्रॉब्लम है ना उन्हें दूर करेगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा वाइट है ना तो आप बालों का कलर चेंज करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है, विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है इसमें, मैग्नीशियम, आयरन, तांबा, फास्फोरस, सभी चीज़ें बालों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बालों को कंडीशनर भी करेगी और रूट्स की प्रॉब्लम दूर करेगी, क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी ये काम करती है, एंटी फंगल भी होती है, स्कैल्प की प्रॉब्लम दूर करेगी, जो भी आपके डैंड्रफ है, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, बालों की ग्रोथ भी डबल करेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा मात्रा में आपकी जड़ों में आपके बालों की जो स्कैल्प है उसमें आयरन जाएगा तो बालों की बढ़त उतनी अच्छी होगी, बाल हैवी भी होंगे, इसलिए डबल हेयर ग्रोथ करेगी, इसलिए बहुत ही अच्छी है, बहुत असरदार है। अब शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें वी टूट के देखिए हमें वी टूट के आपको क्या करना है, हमें इसका पानी पकाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वी टूट के लंबे लंबे आपको पीस काटने हैं इसके, तो इस पानी में इस फिर उसको क्या करना है, आपको कम से कम एक बड़ा कटोरी पानी लेनी है, उसमें एक बीट रूट के पतले पतले पीस करने हैं और उसे पानी में कम से कम 5 से 7 मिनट तक आपको पकाना है। तो उससे क्या है, जितना भी इसमें बीट रूट में जितना भी आयरन होता है, जितना भी चीज़ें होती हैं ना, वो सब इसमें आ जाएंगी पानी में, तो इसी पानी से हम डाई बनाएंगे इसलिए। तो अब हमें इसे क्या करना है, अच्छे से इसके आपको पतले पतले पीस करने हैं, उसके बाद आपको इसे पानी में पकाना है कम से कम 5 से 7 मिनट तक, बिल्कुल कम गैस पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको इसे पकाना है। जब पका लेंगे तो जितना भी इसका बीट रूट का आयरन है, जितनी भी इसमें चीज़ें हैं, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन सी, सब इस पानी में आ जाएगा। तो फिर हमें क्या करना है, इसे बनाने के लिए फर्स्ट हमें बीट रूट चाहिए, इसके पीस करके आपको पानी को पकाना है बहुत अच्छे से। उसके बाद हमें चाहिए इसमें आंवला पाउडर, ये नॉर्मल आंवला है, कोई रोस्टेड आंवला नहीं है, सिंपल जैसे मार्केट में आंवला मिलता है उस आंवला को आपको क्या करना है, अच्छे से आपको पीसना है धूप में सुखाकर। तो ये सिंपल आंवला पाउडर है। अब क्या करना है, आपको आंवला पाउडर और बीट रूट दो ही चीज़ें इसके लिए चाहिए, दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आंवला में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है। जिन लोगों के बाल स्कैल्प की प्रॉब्लम है और बाल काले नहीं हैं, बाल बहुत ज़्यादा वाइट हैं, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, उनके लिए भी आंवला बहुत अच्छा होता है, बहुत असरदार है, इसलिए दोनों ही चीज़ें बालों के लिए बहुत अच्छी है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए मैं लूँगी 1 चम्मच हिना, ये मेरी ओपन फ्रेश हिना है, 1 चम्मच हिना लूंगी मैं। आप अपने बालों के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मेरे बाल तो नॉर्मल मीडियम साइज़ है, तो इसलिए मैं 1 चम्मच हिना लूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ इसे रूट में टचअप दूंगी। मैंने इसे अभी थोड़ा टाइम पहले यूज़ किया था तो मुझे इसका कलर बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे लगा आपके साथ शेयर करूँ इसलिए। तो अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको मार्केट से नहीं मिल पाती हैं, तो प्लीज़ एवरीवन थोड़ा ढूंढिए, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आसानी से मिल जाए, आप थोड़ा ढूंढेंगे तो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगी, क्योंकि जो भी मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ बहुत आराम से मिल जाएंगी, बीट रूट भी, आंवला भी, आपको सब चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। और हो सके तो आप आंवला को घर में सुखाकर उसका पाउडर बनाइए, वो ज़्यादा असरदार है, क्योंकि जो मार्केट से आप आंवला पाउडर लेते हैं वो इतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए। अब शुरू करते हैं, मैंने क्या किया, 1 चम्मच मैंने मेहंदी ली है अपने बालों के अकॉर्डिंग, आप थोड़ा कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें 1 चम्मच ही मैं इसमें आंवला पाउडर लूँगी, 1 चम्मच मेहंदी और 1 ही चम्मच मैं इसमें आंवला पाउडर लूँगी, इन दोनों को बहुत अच्छे से मिलाना है। जब दोनों बहुत अच्छे से मिल जाएंगे तो अब इसमें इस पानी को जब आप ठंडा कर लेंगे ना, वी टूट के पानी को आपको ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद ही आपको इसे मेहंदी में डालना है, जो भी आप डाई बना रहे हैं उसमें डालना है। अब क्या करना है, अब हमें इसे
इतना ही पानी लेना है कि जिसमें इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए। आप अगर ज़्यादा डाई बना रहे हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, एक बीटरूट बहुत है, ज़्यादा नुकसान, ये नुकसान तो देगी ही नहीं क्योंकि एक बीटरूट बहुत है। आप इसका पानी थोड़ा ज़्यादा पकाकर फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं, अगली बार आप इसे डाई में फिर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि एक बीटरूट का पानी आपको एक कटोरी में ही लेना है, आप थोड़ा ज़्यादा भी पानी पका सकते हैं इसका। इसलिए अब इसे बहुत अच्छे से बनाना है। इसका डार्क बुरगंडी इतना अच्छा कलर आया ना बालों में, आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जितनी भी डाई यूज़ करती हूँ सब अपने बालों में पहले अप्लाई करती हूँ, फिर सेकंड टाइम मैं दोबारा बनाती हूँ, वो मैं फिर आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर मुझे किसी चीज़ से कोई नुकसान हो रहा है तो मैं आपके साथ वो शेयर ना करूँ। लेकिन मेरी जितनी भी मैं डाई बनाती हूँ, लिप बाम बनाती हूँ, क्रीम बनाती हूँ, बहुत असरदार है, बहुत अच्छी है। इसलिए इसे बहुत अच्छे से इसका पेस्ट बनाना है हमें। अभी देखिए इसका पेस्ट बन गया है पूरा अच्छे से। अब मैंने इसका पेस्ट बना लिया अच्छे से। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको ना अपने बालों को अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि क्लीन करेंगे तभी इसका कलर अच्छे से बालों में आएगा, ऑयल में इसका कलर नहीं आएगा। इसका क्या, अगर आप कोई भी डाई यूज़ करते हैं तो उसका कलर बालों में ऑयल में नहीं आएगा। आप जब भी कोई डाई यूज़ करते हैं तो उसे लगाने से पहले आपको अच्छे से सिर को वॉश करना है सूखने के, जैसे आप शैम्पू आज कर लीजिए, कल आज ही आज शैम्पू कीजिए, आज ही अपनी डाई को बनाकर रख दीजिए, नेक्स्ट डे उसे अप्लाई करिए, और कम से कम डाई को आप 2 घंटे लगाइएगा इसे, क्योंकि जिन लोगों के व्हाइट बाल हैं उन्हें कलर देना है तो उन्हें भी 2 घंटे लगाना पड़ेगा, इसलिए तो अच्छे से कलर आ जाएगा 2 घंटा आप लगाइएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कलर आने में 1 से 2 घंटा लग जाता है, और बहुत सी चीज़ें, बहुत डाई ऐसी हैं मैंने बताई हैं उनका कलर बहुत जल्दी आ जाता है। और अगर आपको व्हाइट बालों को कवर करना है ना तो उसके लिए कम से कम आपको 2 घंटे डाई को लगाना ही पड़ेगा, और लेकिन जिन लोगों के बाल व्हाइट नहीं है और उन्हें अपना कलर चेंज करना होता है तो उनके बालों के लिए 10 से 15 मिनट ही बहुत है कलर चेंज करने के लिए। इसलिए तो आप इसे अच्छे से सिर को वॉश करने के बाद आप इसे आज बनाइए और कल लगाइएगा, क्योंकि इससे और भी अच्छा कलर हो जाएगा इसका। लगाने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से 2 घंटे रखना है, फिर प्लेन पानी से आपको सिर को वॉश करना है। जब आप प्लेन पानी से सिर को वॉश कर लेंगे ना तो आपको लगेगा आपका कलर काफ़ी हद तक आपके बालों का कलर चेंज हो गया है। हफ्ते में इसे 2 बार यूज़ कीजिएगा, अगर आपके अपने अपने बालों का कलर आपको डार्क बुरगंडी करना है तो हफ्ते में 2 बार लगाइएगा इसे। और नॉर्मली आपको अगर डाई के लिए यूज़ करना है, कलर चेंज करना है, बहुत लोगों को बुरगंडी कलर पसंद होता है तो वो हफ्ते में 1 बार लगाइएगा, लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए हफ्ते में 2 बार ज़रूर लगाइएगा। और प्लीज़ एवरीवन, अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।